या मैं विधायक और पदाधिकारियों का चेयरमैन का किसी का नाम नहीं लेता हूं, अपनी मर्जी से मंच के लायक बनाया है। आज ये मंच पर बैठे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी विधानवादी पार्टी है कि कल को आप में से बैठे हुए और मंच पर आ सकते हैं और मंच वाले सामने भी बैठ सकते हैं। आज कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, चाहे वो सामने बैठे हैं चाहे मंच पर बैठे हैं, और अभिनंदन करने का जो मन किया है वो इसलिए कि अभूतपूर्व काम किया है कार्यकर्ताओं ने इस लोकसभा चुनाव में। कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार की, और यदि एवरेज निकाल लिया जाए पर सीट एवरेज हर प्रदेश का निकालेंगे तो हरियाणा का एवरेज 356,000, ये भी सर्वाधिक है देश भर में, ये एवरेज सबसे बड़ा सब प्रदेश में नीचे। आखिर इसीलिए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने का मन करता है। आज प्रभावित मीडिया के अंदर बैठते हैं कि अपने नेताओं के मंत्रियों के इनके अभिनंदन तो देखे थे, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन ये कोई मुख्यमंत्री इस आधार भारत के ख्याल में पहली बार मैं सीटों से चार सीटों पर लेकर आएंगे हम भाजपा को। मैं जनता के साथ जो मेरा संबंध है, जनता के साथ जो मेरा प्यार है, उस प्यार के कारण से मैं बोल रहा हूँ, ये जनता मुझे बुलवा रही है। मैं अपने आप मुख्यमंत्री जी, पानीपत ने पानीपत नंबर एक पे रहा है, मतलब बीजेपी को समर्थन देने के लिहाज से, चाहे मेयर का चुनाव है चाहे लोकसभा। पानीपत के कार्यकर्ताओं की, पानीपत की जनता के, पानीपत की सभी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग मीडिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को समझा है, हमारी उपलब्धियों के ऊपर ध्यान दिया है और आगे का हमारा जो एक व्यू पॉइंट है, एक विजन है, एक हमारा संकल्प है, उसको उन्होंने पहचाना है। और निश्चित रूप से पानीपत के, करनाल के इन सब लोगों का ये जो किया हुआ एक प्रकार से काम है, इसका हम ब्याज समेत इसको चुकाएंगे।